हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। क्लास 8 में 9 की कंबाइंड सेक्शन को लेकर मैं मनोज आंगिर यूट्यूब चैनल पर फिर से हाजिर हूँ। विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी बच्चों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने घातांकों के नियम के बारे में पढ़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें बच गई है उसको इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आज कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, उनको आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण। बिंदु कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बिंदुओं में जो पहला अपना पॉइंट है वो ये है कि किसी भी वास्तविक संख्या की घात शून्य, किसी भी वास्तविक संख्या की घात शून्य यानी जीरो हो तो परिणाम सदैव एक प्राप्त होता है। लेकिन शर्त यह है कि घातांक रूप वाली उस संख्या का आधार शून्य होना चाहिए, यानी किसी भी वास्तविक संख्या है उसकी जो घात है वो अगर शून्य यानी जीरो हो तो परिणाम आपको क्या आएगा, एक आएगा। शर्त यह है उसके लिए कि आपका जो घातांक रूप में जो संख्या लिखी होती है उसमें दो चीज होती है, आधार और घात। तो आधार आपका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। आधार शून्य होने पर वो एक अनिर्धारित रूप होता है जो आप हायर स्टैंडर्ड की क्लास में सीखेंगे। इस चीज को गणितीय रूप में आप कह सकते हो, ए की पावर जीरो या ए की घात जीरो बराबर एक, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वह ए एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या ए, यहाँ पे एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया, आप वहां पर वीडियो को वापस देखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे वो ये है कि किसी भी पूर्णांक संख्या की घात किसी भी पूर्णांक संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक रूप में, किसी भी पूर्णांक संख्या है अगर उसकी घात ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक रूप में निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब कोई संख्या की घात ऋणात्मक होता है, जैसे कोई पूर्णांक संख्या की घात ऋणात्मक है, जैसे 2 की घात -3 है, -2 की घात -3 है, 5 की घात -5 है, -5 की घात -5 है, कुछ भी अगर कोई पूर्णांक है नीचे आधार और उसकी पावर यानी उसकी घात ऋणात्मक है तो उसे अगर धनात्मक में परिवर्तित करना है तो वो निम्न रूप में कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो a^-m बराबर आप लिखोगे 1/a^n। ये जो 1^-m यानी धनात्मक पूर्णांक के रूप में है उसको आपने किस रूप में बदल दिया, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। तो आपको बदलना कैसे, सी कैसे सकते हो, याद कैसे रख सकते हो, कोई भी ऋणात्मक जो पूर्णांक होगा या जो कोई भी पूर्णांक होगा उसकी घात अगर ऋणात्मक होगी तो आपको क्या करना है,
पहले ऊपर अंश में एक लिखना है, फिर बट्टे की लाइन लिखनी है, फिर ये जो माइनस में जो गुणा के रूप में घात थी तो इसका माइनस का चिन्ह ढक देने पर आपको जो दिख रहा है उसी को बट्टे में आकर लिख दो। जैसे मान लो दो की घात माइनस तीन, तो आप लिखोगे ऊपर तो एक बट्टे की लाइन, अब माइनस के चिन्ह को छुपाओगे तो क्या लिख देगा, एक बट्टा दो की पावर तीन, और दो की पावर तीन कितना होता है आपका दो गुणा दो, यानी दो को तीन बार लिख के गुणा करोगे आठ, तो दो की घात माइनस तीन की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी एक बट्टा आठ। नियम क्लियर हो गया होगा आपके। यहाँ पर भी वही रूल है कि ए आपका जो आधार है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं है, वह ए तथा एम क्या है पूर्णांक संख्या है, ए और एम क्या संख्या है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पहले बच्चों यहाँ ए और एम जो है वो मेरे पूर्णांक संख्याएं हैं। ये दूसरा पॉइंट था, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो वो पॉइंट था जिसमें आपके जो आधार था वो अपना पूर्णांक था। अब अगर आधार अपना परिमेय हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, परिमेय अगर आधार होगा किसी भी घातांक रूप वाली संख्या का आधार परिमेय व घात ऋणात्मक पूर्णांक, कैसे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, ये चीजें ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक में कन्वर्ट करने में काम में ली जाती है, इसके लिए पॉइंट बना रहा हूं मैं कि किसी भी घातांक रूप वाली संख्या का आधार परिमेय वह घात ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसे धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए धनात्मक पूर्णांक में बदलने के लिए हम परिमेय संख्या को उलट देते हैं तथा ऋणात्मक घात को धनात्मक में लिख देते हैं, ऋणात्मक घात को धनात्मक में लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे a बट्टा b की पावर अगर माइनस है और a बट्टा b यानी परिमेय संख्या होगी जहां a पूर्णांक और b पूर्णांक थी, अब इसको अगर मेरे को ऋणात्मक अपनी पावर है इसको अगर धनात्मक में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, एक चीज समझिए कि कोई भी संख्या जो घातांक रूप में है उसकी पावर अगर ऋणात्मक में है तो उसका प्रसार कतई संभव नहीं है, उसका प्रसार नहीं कर सकते हम, उसको धनात्मक में परिवर्तित करने के बाद में प्रसार किया जाता है। a बट्टा b की पावर माइनस एम को आपको पहले क्या लिखना है, परिमेय संख्या को उलट देंगे तो a बट्टा b को आप उलटोगे b बट्टा a, और फिर ऋणात्मक घात को क्या लिख दो आप धनात्मक, तो b बट्टा a की पावर क्या लिख दो, ये a बट्टा b की पावर माइनस एम का धनात्मक रूप क्या बन गया b बट्टा a की पावर एम। जैसे आप कोई संख्या के लिए बात करो 2 बट्टा 3 की घात माइनस का 3 है तो आप इसको धनात्मक में बदलोगे तो आप लिखोगे पहले 2 बट्टा 3 को 3 बट्टा 2 और पावर माइनस 3 को क्या लिख दोगे 10 का 3। अब 3 बट्टा 2 की पावर 3 का मतलब है कि 3 बट्टा 2 को आपको कितनी बार लिख के गुणा करना है 3 बार, और ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर गुणा हो गया 27, नीचे हो गया 8, तो 2 बट्टा 3 की पावर माइनस 3 का जो मान है वो आपका कितना है बच्चों 27 बट्टा 8 है। रूल समझ में आया होगा। अगला रूल अपना चौथा वो ये है कि किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या की घात किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या की घात सम संख्या हो तो परिणाम
सदैव धनात्मक धनात्मक, जबकि वही अगर घात एक विषम संख्या हो तो परिणाम सदैव ऋणात्मक आता। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे -2 की पावर अगर 2 है, यानी 2 कैसा है सब, -2 की पावर 2 है, तो -2 को आप दो बार लिख के गुणा करोगे तो -2 गुणा -2 में 2 गुणा 2 4 और माइनस माइनस से प्लस का होगा। इसका मतलब है कि -2 था आधार के माइनस का है, माइनस का होने पर यह है नियम कि आधार माइनस का है और उसकी घात सम है तो उत्तर प्लस का है, अगर घात भी सम है तो उत्तर माइनस का। तो -2 की पावर 2, 2 सम है इसलिए उत्तर 4, जो कि 2 कैसा है यहाँ पर, 2 कैसे ही है संख्या सम। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कह सकते हो आप, वही अगर -2 की पावर आपके 5 रहता है यहाँ पे तो 5 कैसे है अभी विषम, 3 लगा होता तो 3 भी विषम। तो आप -2 को कितने बार, 5 बार लिख के गुणा करते तो आपको पता है कि गुणा जब आपको 2 से भी गुणा करते हैं तो ग्रुप करके गुणाकों में गुणा करना होता है। जैसे इसका गुणा करेंगे पहले तो 2 गुणा 2 4 आएगा, फिर यहाँ से प्लस आएगा, फिर इसका अगले से गुणा करोगे तो 4 गुणा 2 8 आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर इसको अगले से करोगे 8 गुणा 2 16 आएगा, फिर प्लस का आएगा, और फिर इसको अगले से करोगे तो 16 गुणा 2 32 और फिर माइनस का। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस 2 जितनी बार है उसको गुणा कर सकते हो, 2 का 5 बार लिख के गुणा करोगे 32 आएगा। लेकिन चिन्ह का सिलेक्शन नियम से आप लिख सकते हो कि अगर घात सम संख्या है तो उत्तर प्लस का और घात विषम संख्या उत्तर माइनस का। 5 कैसा है, विषम है, इसलिए उत्तर कैसा दिख रहा है आपको, माइनस का यानी नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके घातांकों के नियम अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी सवालों को हल करवा कर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पहले तो ये पॉइंट याद करने, घाताओं नियम याद करने, नेक्स्ट क्लास में हम सवालों को लेंगे। आज के इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।